गाइस दीदी को मुझसे ज्यादा दुख है मेरे इंस्टाग्राम हैक होने का। दीदी दुख है बहुत ज्यादा। मुंबई अपने को काम है भाई, तो ब्लॉग वगैरह भी आ जाएंगे घूमने। ये देखो भाई, इसको देखो, ये देखो पी जाती नहीं है, पी लेगी। एक गुड न्यूज है भाई, फाइनली अपनी जो कैंपिंग की डेट है वो फिक्स हो चुकी है, क्योंकि फिर मुझे अपनी बाइक की ना काफी ज्यादा याद आने वाली है। मैं सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसी है अपनी जनता, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए, मेरी दुआएं आपके साथ और आपकी मेरे साथ होनी चाहिए। भाई सीन ऐसा है कि गर्मी में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, सुबह से लेके अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं। अभी घर से निकला हूँ, निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बट क्या करें, व्लॉग बनाना है ज़रूरी तुम सबके लिए। अभी ना डेली व्लॉग करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो व्लॉग मैं कल भी डाल सकता था बट मैंने कल व्लॉग नहीं डाला, हिम्मत ही नहीं थी सारा दिन घर से बाहर रह करना, तो शाम को एडिट करने की ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। फिर मैंने पहले सोचा कि डाल दूँ, फिर मैंने नहीं डाला। तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ भाई, 5:04 हुए हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंक में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन छोड़कर एक दिन व्लॉग डालूँ। कमेंट करके बताना यार, अगर तुम्हें डेली व्लॉग चाहिए तो डेली व्लॉग करूँगा, किसी भी हालत पर करूँगा। बस तुम कमेंट कर दो आज कि क्या सीन है, क्या नहीं, कि डेली व्लॉग चाहिए या फिर एक दिन छोड़ के व्लॉग डालूँ, तो वो भी चलेगा। ओ भाई साहब, ट्रक वाला देख रहे हो भाई कहाँ से मोड़ रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई पहले बैंक में, उसके बाद मुझे जाना है पेट्रोल पंप पे, उसके बाद का क्या सीन है वो तुम्हें आगे मैं बताता हूँ। व्लॉग में बने रहो, बस व्लॉग मिस मत करना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, और वीडियो को लाइक कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके बताया करो भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम्हारी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती है ना, दिल खुश हो जाता है लिटरली पढ़ करना, फिर मज़ा भी आता है डेली व्लॉग करने का, नहीं क्या बोलते हो भाई। तो चलो पहले बैंक का काम निपटाते हैं और उसके बाद तुम सबसे मिलता हूँ मैं। सो फाइन गाइस, अपना बैंक वाला काम तो नहीं हुआ है, इतनी बेकार सर्विस है ना इनकी भाई क्या बताऊँ। अगर थोड़ा सा भी टाइम ऊपर हो जाए तो ये कैश ही नहीं लेते हैं भाई, कि कैश जमा करना है इस टाइम नहीं करना। ये नहीं कि अगले बंदे को अगर मजबूरी भी हो सकती है, अर्जेंट किसी को कुछ करना हो, तो मुझे याद है अभी भी मैंने यहाँ से नहीं, मेरा अकाउंट यहाँ पर है और मैंने दूसरी ब्रांच से पैसे डलवाए थे 4:30 बजे, तो अभी पूरे 4 भी नहीं बजे हैं। तो इनके भाई नखरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें, जिस काम के लिए बैठा है इंसान तो कम से कम वो तो करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर ज़्यादा लेट हो जाए फिर बंदा मानता है, अभी पूरा 1 घंटा पड़ा है भाई। तो खैर छोड़ो यार, चलो चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से, बैंक वाला काम तो नहीं हुआ, अभी चलता हूँ मैं सीधा कुरेशी के पास, वहाँ पर जाकर बैठता हूँ, फिर बातें करता हूँ तुम सबसे यार। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपना पेट्रोल हो चुका है भाई फिल, पेटीएम यहाँ पर भी नहीं था, आजकल पेटीएम कहीं पर भी नहीं आ रहा भाई, जेब में कैश रखो फिर ही कहीं जाना। लास्ट टाइम ऐसा सीन पता कब हो रहा था, जब मैं कश्मीर गया था ना भाई, वहाँ पे तो पेटीएम चलता ही नहीं था भाई, इतना खज्जल हुआ था ना भाई पेटीएम के बिना, ये भरोसे के लायक नहीं है। तो चलो भाई, अपना पेट्रोल वगैरह डन हो चुका है, फाइनली पेट्रोल डल गया है भाई। 2-3 दिन से ना किसी किसी पेट्रोल पंप पे ना पेट्रोल ही नहीं मिलता है आपको, तुम खज्जल हो जाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि टैंकी फुल करा लूँ आज शाम को, वरना क्या पता कभी ना मिले। कल परसों मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था, गाड़ी में नहीं सॉरी, तो परसों मेरी बाइक में पेट्रोल कम था, यहाँ से मैं गया हूँ भाई छन्नी वाली साइड दूसरी साइड, तो वहाँ पे पेट्रोल ही नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से भाई मैंने पेट्रोल पंप पर बाइक पहुँचाई, फिर पेट्रोल डाला, तो अभी भी यहीं पे यही सीन था। तो वो शुक्र है कि मैं एटीएम साथ लेकर आया था, वरना पेटीएम से ये पेमेंट ही नहीं ले रहे थे। तो चलो भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी है मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा भाई, व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बस थोड़े दिन ही बनाऊँगा फिर चला जाऊँगा थोड़े दिन के लिए कहीं और, फिर ऐसे टाइम अपना निकाल लूँगा। और अपनी बुलबुल भी अपने पास थोड़े दिन ही है, मैं सोच रहा हूँ जितना इस पर चला पाऊँ इसको उतना चला लूँ यार, क्योंकि बाद में मुझे इसकी बहुत बहुत याद आने वाली है, क्योंकि इस मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर लड़के की ना अब इतनी सारी यादें होती हैं, और बाइक के साथ एक लड़का ना काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, या फिर जो बाइकर होगा या जिसके पास बाइक होगी, जो डेली बाइक चलाता है, जो बाइक का ख्याल रखता है, बाइक पर घूमता है, वो ये सब चीज़ें समझ सकता है, और कोई भी नहीं मुझे पता है। तो और उसके बाद मैं बाइक भी जल्दी नहीं लेने वाला हूँ, अगर ली भी सही तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, और मैं बाइक लेने भी नहीं वाला हूँ, और बिना बाइक के व्लॉग आएंगे। ये है बब्बर की गली भाई, बब्बर का घर यहीं पे है, तो बब्बर के पास भी मैं जाने वाला हूँ थोड़े दिन में, कहाँ कहाँ जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे ना 3 जगह अभी जाना है, स्टार्ट कहाँ से करूँ, पहले कैंपिंग में जाऊँ भद्रवाह या फिर कहीं और जाऊँ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। 3 जगह अभी मुझे जाना है, दिल्ली, मुंबई और कहाँ जाना है भद्रवाह, तो भद्रवाह कश्मीर थोड़ा थोड़ा गैप ही है, बट ये 3 जगह मुझे जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा पहले मुंबई जाऊं या फिर भद्रवाह जाऊं।
मुझे समझ नहीं आ रही, ऊपर से ईद भी आ रही है भाई। कमेंट करके बताओ पहले तुम कहाँ देखना चाहते हो मुझे, मैं वहीं पे निकल जाऊँगा। मुंबई अपने को काम है भाई, तो व्लॉग वगैरह भी आ जाएंगे, घूमना भी हो जाएगा। क्या बोलो, क्या बोलते हो, मुंबई चलें फिर पहले? कमेंट करके ज़रूर बताना। ओहो, और गाइज अपना इंस्टाग्राम है जो वो है हैक हो चुका है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा दुख है मुझे, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। बताओ भाई सोल्यूशन उसका कुछ। मेरा इंस्टा गायब हो गया, 13,000 उस पर फॉलोवर थे, फॉलोवर का मुझे कोई सीन नहीं है, जिन्होंने फॉलो किया हुआ है वो फॉलो दोबारा कर लेंगे मेरे अकाउंट मुझे बनाते, शायद थोड़ा सा टाइम लगे, हाँ टाइम तो लगेगा बट सब कुछ वापस आ जाएगा। बट वो जो मेमरीज, वो फ़ोटोज़ थे ना भाई इंस्टाग्राम पे, जो मैं घूम घूम के वो मेमरीज मैंने इकट्ठी की थी, बट वो मुझे वापस नहीं मिलने वाली है, बस उस चीज़ का दुख है मुझे, और कोई भी सीन नहीं है। चलो जो भी बस हो हुआ, ट्राई कर रहा हूँ, अगर होप्स हो कि वापस आ जाए, दुआ करना यार कि वो वापस आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ना मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी मैंने नया अकाउंट नहीं बनाया हुआ है। तो प्लीज़ अगर किसी को मेरे नाम से कोई भी मैसेज वगैरह आए तो मैं पहले बता रहा हूँ मेरे पास मेरा अकाउंट नहीं है, हैक हो चुका है भाई, वो कहीं पर भी शो नहीं हो रहा है, तो मेरे पास तो है ही नहीं है वो फ़ोन में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह आ रही थी कि भाई अकाउंट कहाँ गया, मैंने बोला गायब हो गया भाई, वेट करो वापस आएगा तो ठीक है, वरना नया बना लूँगा, कोई सीन नहीं। तो ये रही भाई मारूती, आदत इतनी ख़राब हो गई है ना, बोल बोल के इधर से क्रॉस कर रहा हूँ, बोल बोल के ना मुंह में से पानी सूख गया। तो फोन कर रहा है, क्या बोल रहा है? सो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। तो कल जैसे कि तुम्हें पता है भाई, मेरा जो बैंक का काम है वो हुआ नहीं था, लेट हो चुका था मैं, तो फिर मैं उसके बाद शाम को घर आ गया था, मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। तो फाइन, अभी का सीन ऐसा है, अभी मुझे दोबारा से जाना है भाई बैंक में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे साथ जाएंगे मेरी दीदी के छोटे छोटे बेटे, तो दीदी भी साथ जाने वाली है, तो अभी चलते हैं सीधा बैंक। तो भाई मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है जो वो हैक हो चुका है, काफ़ी सारी कमेंट्स आ रही थी मेरे को कि भाई आपका इंस्टाग्राम शो नहीं हो रहा है, क्या हुआ, हम मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हैक हो चुका है, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुश्किल ही है, मुझे नहीं लगता वापस आएगा। अगर तुम्हें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मुझे कमेंट कर देना। तो पता नहीं अब मुझे हैक हुआ है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के रिलेटेड वो हटा दिया इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम ने कुछ ऐसा, तो अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेल वगैरह किया मैंने यूट्यूब पे देख के, जो थोड़ा बहुत मुझे पता चला, वो बाकी कुछ नहीं। तो अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो थोड़ा सा बता देना यार कमेंट करके। तो एक गुड न्यूज़ है भाई, फाइनली अपनी जो कैंपिंग की डेट है वो फिक्स हो चुकी है, तो जैसे ही पूरा सामान वगैरह हम खरीद लेंगे तो हम जाएंगे सीधा कैंपिंग पे, पूरे 2 दिन आप सबको मज़ा आने वाला है भाई। तो मैं और कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्नैपचैट यूज़ कर रहा हूँ, तो कैंपिंग पे तो जा रहा हूँ, बट इस बार ना कोई रील वगैरह नहीं आने वाली है ट्रिप की कुछ भी, वरना मैं अक्सर व्लॉग में बोलता हूँ भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ व्लॉग आने वाला है यूट्यूब पे, तो उसी पे ध्यान देना। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा दुखी तो हूँ मैं, थोड़ा नहीं यार दुख तो है मुझे, 13,000 फॉलोवर थे मेरे लिए, वो बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा थे, और तुम सबका प्यार था यार उसमें, तो कोई नहीं यार ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है। तो कैंपिंग की डेट फिक्स हो गया, अभी आसिफ भी जम्मू आ रहा है तो वो भी अपने साथ कैंपिंग में जाएगा। तो इस बार हम गाड़ी में जाने वाले हैं, बाइक लेके बिल्कुल भी कोई भी नहीं जाने वाला, क्योंकि इस बार हम करेंगे भाई इंजॉय। बाइक पे ट्रिप पे क्या होता है भाई, ज़्यादातर हम व्लॉगिंग में ध्यान देते हैं, व्लॉग्स बनाने में ध्यान देते हैं, तो पूरा मज़ा नहीं ले पाते हैं। कैंपिंग में अगर 2 दिन जाएंगे तो 1 दिन ही व्लॉग आएगा, क्योंकि इंजॉय ज़्यादा करेंगे, व्लॉग थोड़ा सा कम बनाएंगे। बाकी तुम कमेंट कर लो क्या चाहते हो क्या नहीं, ठीक है अभी निकलता हूँ यहाँ से, बाकी देखते हैं क्या सीन है आगे का। गुड मॉर्निंग किधर जा रहे हो भाई कहाँ जा रहे हो? ओए इधर देख भाई, इसके बाल देखो भाई, छोटा सा है, बाल उसने खड़े किए हैं, इसको बंद करो अच्छे से बंद। तो ये रही मेरी दीदी, दीदी हेलो कर दो। कैसे हो गाइस? सो गाइस दीदी को मुझसे ज़्यादा दुख है मेरे इंस्टाग्राम हैक होने का, दीदी दुख है बहुत ज़्यादा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्या पता वापस आ जाए मेरे। अभी जाएंगे सीधा बैंक में, इनका आधार कार्ड बनाएंगे, और मैं जो अपना काम है वो भी करके आऊँगा, फिर जाएंगे सीधा घर। यहाँ पे देखो भाई, खाई जा रहे हैं, नीचे फेंकी जा रहे हैं। ओ अभी मैंने कल ही गाड़ी वॉश कराई है, देखो नीचे फेंकी जा रहे हैं भाई, खा कर। ये देखो भाई, इसको देखो, ये देखो, पी जाती नहीं है, पी लेगी। सो ऑलराइट गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं घर वापस, तो करता हूं भाई इस प्यारे से छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूं तुम सबको अच्छा लगा होगा, मेरा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ कल एक अच्छी सी मस्त सी प्यारी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का।